के कारण और सत्संग में आने के बाद अगर तुम्हारा आचरण गलत है उसके कारण भी दिमाग चलेगा। एक तो जब संसार से आते हो, ये सच्चाई है कि अंदर आसक्तियाँ इतनी गहरी होती हैं, इसके कारण चिंतन ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर ज्ञान को चारों तरफ से नहीं समझा और कहीं तुम गलत चले हो, उसके कारण भी दिमाग चलेगा। ये नहीं हो सकता कि नहीं चलेगा। ज्ञान से निर्विचार अवस्था इसीलिए आती है क्योंकि हर कर्म विवेक से होता है, और विवेकवान ही स्थिरचित वाला हो सकता है। जब कोई भी कर्म हम सोच समझ के कर रहे हैं, राइट वे से चल रहे हैं, तो अंदर उलझन नहीं होगी। लेकिन जब हमारे कर्मों में दोष होगा तो हमारे अंदर चिंतन ज़रूर होगा। कैसा भी कर्म हो, सावधानी तो चाहिए। आज चाहे आप कहो मैं आसक्ति काटता हूँ, अब एक होता है हम आसक्ति काटते हैं और एक होता है हम अर्जुन की तरह पलायन करना चाहते हैं। दोनों बातों में अंतर है। जो भागने की कोशिश करेगा घर गृहस्थ से, उसको भी चिंतन चलेगा। कोई अपने कर्म से भागना चाहेगा, उसको भी चिंतन चलेगा। और एक जो आत्मा के अभ्यास से निरासक्त होने की कोशिश कर रहा है और सोच समझ के अपने डिसीजंस ले रहा है, वो निर्विचार रहेगा। भगवान ने अर्जुन के समाधान के लिए क्या किया? विवेक जागृत किया, ज्ञान की समझ दी और उसके बाद उसको कर्म में लगाया। अर्जुन का कर्म पहले कैसा था? अविवेक से था, चल पड़ा लड़ाई करने, मुझे तो हिस्सा चाहिए। उस समय धर्म युद्ध वाली बात नहीं थी, क्योंकि जब तक कोई धर्म को जानता नहीं है धार्मिक तो हो नहीं सकता। और उसका कर्म हम नहीं कह सकते कि वो धर्म के अर्पण करके कर्म कर रहा है। भगवान ने जब ज्ञान बताया उसको, तो उसको मालूम पड़ा उसके कर्म का राइट मोटिव क्या है। कर्म सब कुछ नहीं है। कर्म का मोटिव, कर्म में अकर्तापना, उन सब चीज़ों का भी बराबर महत्व होता है। जब भगवान ने उसकी समाधानता की है सारी, उसके बाद जो कर्म उससे हुआ वो कहलाया धर्मयुद्ध। हमको इतना विवेक होना चाहिए कि हम आसक्ति कैसे काट रहे हैं। आज तुम्हारे बच्चे का इम्तिहान है, तुम बोलो मैं तो माँ हुई नहीं, किसी पर भी छोड़ के हम चले जाते हैं, बच्चा पेपर दे लेगा, भगवान अर्पण है। अब इसमें हम तुम्हें गिरा हुआ मानेंगे, चढ़ा हुआ नहीं मानेंगे। हम इसमें तुम्हें ज्ञानवान नहीं मानेंगे, पर हम तुम्हें मूर्ख मानेंगे, क्योंकि तुमको इतनी भी समझ नहीं है कि किस बच्चे को छोड़ना है और किसको नहीं छोड़ना है। आज एक बच्चा सेल्फ बैलेंस्ड ही नहीं है, छोटी एज का है, माँ को मिल गया सत्संग, माँ बहुत खुश हो गई उसकी कि हाँ ये भगवान पालेगा इसको। भगवान किसी रूप में तो आके पालना करेगा, ऑब्वियस सी बात है, किसी रूप में आके पालना करेगा ना। और अगर वो दायित्व तुम्हारे ऊपर रखा गया है
तो अर्जुन की तरह तुम छोड़ के नहीं भाग सकते हो। ज्ञान भी सुनते हो कभी कभी, आप लोगों को सिर्फ दौड़ समझ आती है, कभी सिर्फ रीस समझ आती है, और ये भूल जाते हो कि हमको विवेक सहित चलना है। जो विवेक सहित नहीं चलता है वो भी एक समय ज्ञान से भ्रष्ट होता है। आप ये मत मानना कि हम चढ़ जाएंगे, चढ़ कैसे सकते हो। सब में बड़ी बात है, कल जब कोई नफा नुकसान होगा आपका मन चिंतन करेगा ही करेगा, उस समय आपका मन आपको ब्लेम करेगा, तू ना ऐसा करता तो सही रहता, तो समझदारी से चलता तो सही रहता। हम लोगों ने बहुत केस देखे हैं ऐसे, एक सुनते थे कहीं ज्ञान तो हमारे पास आते हैं, तो बड़ा अंधा इश्क हो गया जिससे सत्संग सुनते थे, अगले ने भी नहीं टोका और वो भी अपना चलते रहे। बच्चे बहुत छोटे छोटे, बच्चों को पड़ गई गलत आदतें, चोरी की, जुआ की, जब तक वो स्कूल लाइफ पूरी करते काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के गुंडे बन गए थे वो। अब रोए, मैंने सत्संग में आके कबाड़ा कर लिया, किसी ने यहाँ का रास्ता दिखा दिया। मैंने कहा सत्संग तो सही बोलता है, गलत तो तुम लोग उठाते हो। जब तुम्हें मालूम है बच्चे को इस समय गाइडेंस की ज़रूरत है, तुम्हें सत्संग के बाद रुकना, एक्स्ट्रा टाइम देना, तुम्हें संभालना चाहिए था अपने को। हर एक की स्थिति अपनी होती है। हम लोग सत्संग में आके टोपियां डालते हैं दूसरों की, किसी के लिए भी बात चलेगी आप झट उठा के ले जाओगे। हाँ, शायद ऐसा ही करना है। क्या फर्ज से भागना ज्ञान है? क्या दूसरों पर अपनी ग्रस्तियां आरोपित कर देना ज्ञान है? ज्ञान क्या है? ज्ञान है क्या, ये तो विचार करके चलो। आज कोई तुम्हारे साथ कॉपरेट करके चलता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपना सारा बोझ उस पर डाल के आज़ादी घूमना शुरू कर दो अपना। इसकी बुआ देखेगी, इसकी चाची देखेगी, इसका फलान देखेगा। क्यों? शादी तुमने की, बच्चे तुमने किए या उन्होंने किए? क्योंकि एक अंधी दौड़ में शामिल होने को आपने ज्ञान मान लिया है, जबकि ज्ञान ये है नहीं। ज्ञान कहता है चारों तरफ से देख के चलो। तुम इतने आदर्श सुनते हो गुरु लोगों के, एक बात तो समझ आनी चाहिए कि ज्ञानी चारों ओर से सावधान है। ये जड़ बुद्धि है, चेतना नहीं कहते हम इसको। चेतन पुरुष वो होता है जो चारों ओर से जागृत है। ज्ञानी को अपने हर कर्म की पहचान भी है, सावधानी भी है, भले अकर्ता है। अकर्ता होने का भी ये मतलब नहीं है छोड़ छाड़ के भाग लें। भाई हम तो अकर्ता हो गए, हम तो छोड़ के जा रहे हैं। अब आज आप ज्ञान सुन के जैसे सोचते हो मैं भागूं, मैं छोड़ूं, कल आदमी काम धंधा छोड़ के भाग ले, बर्दाश्त हो जाएगा? आपको कल घर में बहू बेटी वाला दर्जा ना मिले, बर्दाश्त हो जाएगा? मतलब आपकी एक्सपेक्टेंस उन लोगों से तो वही है, और अपने कर्म से भागना चाहते हो। फिर आप कह रहे हो मैंने ज्ञान सुना है। ज्ञान सुनने से क्या होता है? ज्ञानी को समझदार भी तो होना चाहिए। एक समय आप सोचते हो मेरे बंधन कट गए, लेकिन हम ये सोचते हैं कि गलत चलने वाले व्यक्ति से एक समय लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अगर तुम्हारे घर के लोगों को बिठा के पूछें
वो बेचारे कहेंगे जब इसने नहीं मानना तो हम ही लोग चुप हो गए। ये नहीं है कि बड़ा उनको तुम्हारे आचरण पे नाज हो रहा है, ये नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि हमारे घर में एक इतना जागृत पुरुष है, कहीं नहीं। जब कोई गलत कर्म करेगा तो उसके लिए दो ही बातें होती हैं, या तो उसको टोका जाता है कि अगला सावधान हो जाए। अगर ढीठताई नजर आती है तो फिर सामने वाला चुप हो जाता है। अब हमको ये भी समझना है, मैंने युक्तियों से, ज्ञान से, निश्चय से अपने बंधन काटे हैं, या मेरी ढीठताई के आगे सब लोग चुप हो गए हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। जब तक पूरी समझ हम लेके नहीं चलेंगे, मजा नहीं आएगा ज्ञान में। देखो, एक होता है कोई अपने स्वभाववश नाराज है, चलेगा। एक है हमारी मिस्टेक्स हैं बीच में, वो नहीं चलेगा। ये चलेगा कोई अपने स्वभाववश। अब जैसे कईयों को एक शिकायत ही है, बात कोई नहीं है पर सत्संग मत जाओ, उसका तो कोई इलाज ही नहीं, लाइलाज बीमारी है ना। तो ऐसे में ठीक है, निकलना भी पड़ता है, लेकिन कहीं पर हमारी भी गलतियां हैं, उनको भी तो समझ के चलना पड़ेगा ना। आचरण में दोष ना रह जाए, ये भी तो ज्ञान का एक पार्ट है। और जिसको आप लोग छूटना 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 करते हो, छूटने का मतलब होता है भीतर आसक्ति से छूटना। शरीर की प्रारब्ध तो निभती निभती है, आगे चल के भले कार्य फैल जाए, ज्ञान इतना ऊंची स्टेज पे हमें ले जाए जहां हम और फ्री हो जाएं, बात अलग है। लेकिन एक बात समझने जैसी है कि शरीर की प्रारब्ध से भाग के आप कहां जाओगे। गुरु नानक देव जी ने नहीं बोला कर्मों से भागो, कहते हैं कर्म करत होए नेह कामी तिसको होत प्रापत स्वामी। कर्म करत होए नेह कामी, ये नहीं बोला कर्म छोड़ होए नेह कामी, छोड़ने की बात नहीं की जा रही है। कर्म करत होए नेह कामी, ये जो बातें संतों ने कह भी दी। अब बोला रांझल जे के राम जपींदा तिन जा कम सब पानी थींदा, बोल दी गई बात। लेकिन ये अनुभूति क्या है, अनुभव क्या है इस चीज का, कि अपने शरीर द्वारा भी होते हुए अहम का भाव नहीं आता। ये नहीं बोला रांझल जे के राम जपींदा तिन जा कम सब पानी थींदा, लोग करते रहेंगे, ऐसे तो ज्ञानी सेवा भी नहीं लेना चाहता है किसी से, क्यों लेगा व्यर्थ में सेवा, सोचने वाली बात है। आप सोचते हो नहीं, हम तो बस लगेंगे सुमरन में, भगवान काम करेगा। फील आपको ये करना है कि अभी भी ईश्वर से हो रहा है, ये शरीर तो निमित्त है, भागने की नहीं जागने की जरूरत है। जहां अंधी भाग दौड़ मचेगी ज्ञान फलेगा नहीं। कभी भी नोटिस करना इस बात को, जहां केवल अंधी दौड़े होंगी विवेक नहीं होगा, वहां खेल बड़ा मुश्किल हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा आपका ज्यादा चल पाना, रुकावटें पैदा होंगी, कहीं ना कहीं से तो होंगी, बाहर से ना हो अंदर मन चलेगा। एक ने बनाया सत्संग का हॉल, भगवान से ही जुड़े हुए हैं वो भी, नकल तो जल्दी करते हैं सब। अब हॉल में रहने वाला भी तो कोई चाहिए, एक को घर छुड़ा के बिठा दिया, बड़ी उम्र की थी हालांकि, बस अब छोड़ घर को, बहुत संभाल ली गृहस्थी, यहीं रह जा, वो भी रही बड़ी खुशी से, बड़ा
योग्य लगा उसको अपना हिसाब किताब, जहाँ सुनते हैं श्रद्धा हो ही जाती है। इन्होंने मेरे को ही चुना, मेरे पे ही नज़र पड़ी, मेरे पर कृपा की, मेरे को ही छुड़ाया। थोड़ा मोटा हमारा भी लिंक है, को बात हजम नहीं हुई। मैंने कहा सही नहीं है ये चीज़, ऐसे कैसे किसी को तुमने घर छोड़ा लिया और बिठा दिया। और ज़्यादा तो बोल नहीं सकते थे, चुप हो गए हिंट दे के हल्का सा। अब वो रही तो सही, 5-6 महीना रही। अब एक तो सारा दिन बोर हो जाए अकेली, हॉल में बैठी है, सत्संग हुए उसके बाद कोई रुके नहीं, कोई छुड़ाना किसी को, कार्य सारा दिन कोई आता जाता रहे, कोई मजाक थोड़ी होती हैं चीज़ें। लेकिन कभी कभी कॉपी कर लेते हैं, हाँ हमको भी हो जाए हो जाए। वो इतनी बोर हो गई 6 महीने में, उसको पता चला घर में कोई प्रॉब्लम है हल्की फुल्की, बोल के गई मैं ओके आती हूँ, वापिस ही नहीं आई। बोला मुझे नहीं आना, अब क्या यूज है। भगाने वाला भी मूर्ख, भागने वाला भी मूर्ख। क्यों छुड़ाया और क्यों छोड़ा, विचार नहीं है। सिर्फ एक बाहरी चीजें जो हम लोग पकड़ते हैं ना सत्संग में आके, ये एक समय हमें ही वापस वहीं ले जाएंगी, यू टर्न हो जाएगा। कहाँ जाएंगे कर्म, कहाँ जाएंगे हिसाब। शरीर जो कर्मों की खेतियां करके आया और अब भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति अति बलवान, कहाँ जाएगा इसका हिसाब किताब। यू टर्न्स आ जाएंगे, मन ही ऐसा हो जाएगा। तो पहले ही इतना विवेक से क्यों ना चलें कि पूरी निभा तो पाएं, पहले इतना जागृत हो के क्यों ना चलें निभा तो पाएं, ज्यादा बेहतर है। काहे उल्टे सीधे काम करना, काहे उल्टी सीधी हरकतें करना। हाँ शौक होता है, प्यार होता है, हम उसके लिए अपना हिसाब कर सकते हैं। चलो हमें साथ का शौक है, कभी हम दूर नहीं निकल पाते, लोकल में साथ ले लेते हैं, वैसे आके एक दिन रह जाते हैं। और बड़ी बात ये भी देखना, जब आप विवेक से चलोगे आपको रास्ते मिलेंगे। रास्तों में अड़चने उनके आती हैं जो विवेक से चलते नहीं हैं। क्या प्रकृति में न्याय नहीं है? क्या प्रकृति रास्ता नहीं देगी? क्या ईश्वर उन घटों में बैठ के कार्य नहीं करेगा? सोच के देखो। लेकिन हम अपनी मिस्टेक्स को समझते नहीं हैं कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। हमें लगता है सिर्फ एक दौड़ना हमें कामयाब बना देगी। भाई कहाँ दौड़ोगे, कहाँ दौड़ के जाओगे, क्या करोगे, रिलैक्स। और अंदर का समझो बंधन नहीं कटा, बाहर का काट भी लिया। तो एक बात ध्यान देना, बाहर से छूटे हुए तो गुंडे बदमाश भी हैं, ज्ञानी हो गए फिर वो है ना, उनके सिर पे भी कोई नहीं है, रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जो मर्जी आती है करते हैं। फिर क्या हम उनको ज्ञानियों की कैटेगरी में रख छोड़ें। और कबीर जी जो आखिर तक चरखा चलाते हैं, चादर बुनते हैं, रैदास जो जूता सिलते हैं, क्या उनको अज्ञानियों की कैटेगरी में डाल दें। कसौटियां हैं ये ज्ञान की, ये कसौटियां हैं ही नहीं। बंद अभिमानी बंद है, मुक्त अभिमानी मुक्त। कसौटी ये है, अंदर निश्चय कौन सा है, कसौटी तो ये वाली है। आज ज्ञानी से हजारों कर्म होता है दिन में, तुमसे इतना नहीं होता होगा घर गृहस्थी में बैठे हुए। ज्ञानी जो इतनों को ओट के बैठा है, सबकी संभाल, सबकी सोच, सबके योगक्षेम,
हमने गुरु को देखा, पूरा समय उनके पास कार्य होता था, पूरा समय खाली बैठे ही नहीं देखा कभी उनको। कमरे में तो उनके भीड़ रहती थी हर समय, ये इसको बात करनी है, इसको मिलना है। अर्ली इन द मॉर्निंग सत्संग होता था, हम लोग आपस में करते थे 6:30 बजे। लिस्ट बन जाती थी कौन आने वाले कौन जाने वाले, कौन सुबह ट्रेन पहुंचा करती थी, 8 बजे तक अक्सर लोग आ जाते थे। लिस्ट बन जाती थी, फलाने शहर के इतने आए, फलाने शहर के आए, आज वापसी किन किन की है। सुबह नाश्ते की मेज तक उनके पास लिस्ट पहुंच जाती थी और वो सेटिंग कर लेते थे आज कैसे कैसे इन लोगों को मिलना। समझ सकते हो, ज्ञानी से जितना कार्य होता है आप लोग उतना नहीं करते हो अभी, उसके बावजूद आपको लगता है भागे भागे भागे, कहाँ भागोगे। जब ज्ञानी भी बैठा है, जो सेवा सामने है कर ही रहा है ना, लेकिन अकर्ता भाव से कर रहा है। चलो भाई ठीक है, होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक दिन भगवान 40 ग्रुप से मिले, समझ सकते हो, सत्संग के बाद 40 ग्रुप्स। त्योहार का समय था, कोई आए थे कोई जाने वाले थे। हालांकि रात को हम सबको डांट बहुत पड़ी, बहुत नाराज हुए कि तुम लोग सोचते नहीं हो, लेकिन फिर भी एक हिम्मत है। 40 ग्रुप्स अटेंड किए उन्होंने पूरे दिन में। समझ आता है सेवा से ज्ञानी नहीं भागता है। किस दिन दरवाजा बंद नहीं किया उन्होंने, आज मुझे नहीं मिलना किसी से, भागो सब। फिर बैठे हैं सबके लिए, फिर रात को इतना गुस्सा करके सोए, हमको लगा कल तो हॉलीडे है सबका। सुबह सत्संग में प्रिपेयर भी कर दिया सबको, भैया आज कोई जिद मत करना, कोई उधर जाना मत, जैसी उनकी मौज होगी। ये भी नहीं बोल सकते थे हम सबको डांट पड़ी है। लेकिन अगले दिन जैसे ही सत्संग पूरा हुआ, भेज दो फलाने को, भेजो फलाने को, भेजो फलाने को, भेजो। हम कहें ये रात को तो ऐसे बोल रहे थे, भूल गए सुबह तक। एक बार हमारे पास ही आए थे यहाँ, किसी ने डिनर के लिए बड़ी जिद कर ली, दूर था थोड़ा, अब तो सड़कें अच्छी हो गई हैं, सड़कें भी अच्छी नहीं थी, चले। और कुदरत, उन्होंने नहीं बताया कि उनकी कॉलोनी में सड़कें बिल्कुल ही टूटी हुई थीं और खड्डे और वो मिट्टी। जब वहाँ पहुँचे तो बोले हमारी कॉलोनी में तो सड़क ऐसी, अब पौन घंटा के घंटे के रास्ते से गए थे, वापिस भी कैसे लेके आते, डिनर का भी समय था। चले घर आके बहुत गुस्सा किया, तुम मेरे को लेके चले, इतना थक गए, झटके लगे इतने, उनको भी पता तो नहीं था। खैर मैं कल आप रेस्ट कर लीजिए, हाँ मुझे कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल आप कल रेस्ट करिए। अगले दिन सत्संग से घर पहुंचे, कहाँ चलना है, उनका कहीं भी नहीं चलना आज, तो कहीं नहीं चलना है आज, आप आराम करिए, घर रहेंगे। मैं बिल्कुल घर रहेंगे आज, आपका लंच भी घर, डिनर भी घर, इवनिंग भी घर, आज आप कंप्लीट रेस्ट करिए। 5 मिनट अंदर गए बाहर आए, सुन अपने घर इंतजाम कर ले, शाम को वहां चलेंगे। मैं शाम को हमारे घर कैसे चलेंगे, हम सारे यहाँ पर हैं, खाना कौन बनाएगा वहाँ कैसे, मेरे को नहीं पता। इतने हैं तेरे पास हैंडल्स, नहीं बैठे। फिर वहाँ दिन में सबको खुश किया, घर जो बच्चे रुके हुए थे सेवा वाले उनसे बैठे, थोड़ी देर रेस्ट किया, 1:30 तो बजी रही थी, हमको बोलते हैं 5 बजे मुझे लेने भी आ जाइए, हम तेरे पास चलेंगे, उधर थोड़ा सत्संग भी करेंगे, भजन भाव भी होगा, खाना भी खाएंगे। और रात को 11:30 बजे गए हमारे पास से। और जब निकलने लगे वापस तो इन्होंने ऐसे हाथ जोड़े गाड़ी में बैठ रहे थे कि आपका बहुत शुक्रिया आप आए। बोले मैं कहाँ आई हूँ, आप मैं ज़बरदस्ती आई हूँ, आप लोगों ने कहाँ बुलाया, अब काहे को थैंक्स कर रहे हो, हम तो ज़बरदस्ती आए आज घुस के, हम तो अपने ही घर में। फिर इतना खुश करके, मान दे के, प्यार करके सबको, तो ये रमज़ें सीखने वाली नहीं हैं क्या, ये चीज़ें समझने जैसी नहीं होती क्या।
बल्कि मेरे ख्याल से समझने वाली यही चीजें, चाह कर के भी अगर वो आराम कर लेते तो कौन उनको दोष देता भाई, नेचुरल है, थक रहे हैं इतना, सत्संग में भी समय हो जाता है, सुबह भी नाश्ते पे लोग मिलने आते हैं, दोपहर में भी, फिर शाम को भी कर सकते थे एक दिन रेस्ट, लेकिन अहर्निश कार्य। तो हम ये बातें कहाँ से सीखते हैं कि हम छोड़ें, हम भागें, हम दौड़ें, कहाँ से सीखते हैं ये बातें? बल्कि स्मूथली चलते रहोगे, धीरे धीरे रास्ते बन जाएंगे, क्योंकि घर के लोग भी आपको समझेंगे। और अभी तो स्थितियां ये हो जाती हैं, वो लोग सत्संग से नफरत ही करने लगते हैं, उलझ जाते हैं, पता नहीं भाई इनका ज्ञान क्या सिखाता है, पता नहीं भाई सत्संग ने इनको ऐसा बना दिया है। अभी तो बातें विपरीत जाती हैं, ये बातें अनुकूल भी तो जा सकती हैं। एक आचरण, एक व्यवहार, बातचीत का ढंग, चीजों को टैकल करना, ये सब ज्ञान के पार्ट होते हैं। अगर आपको अपने घर के चार लोग ही ना टैकल करने आए, जो आप फ्री हो के निष्काम के सपने देखते हो, लोगों का करोगे क्या? सबके घर बर्बाद कर मारोगे? जो खुद गुरु के आगे घिसे नहीं होते, वो सोचते हैं हम सत्संग बड़ा अच्छा कर रहे हैं, पर हकीकत तो लोग बेचारे बर्बाद ही हो रहे होते हैं। रॉन्ग गाइडेंस, खुद को ही नहीं पता किसको कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी प्रैक्टिस की। एक वकील भी बनता है तो एक हाई वकील के आगे प्रैक्टिस करता है, पहले रह के पूरा दिन उसके अंडर मरता है, पानी भी पिलाना पड़ता है लाके उसको, तब सीख पाता है ना, ऐसे थोड़ी। तो सपने जो देखते हो, अच्छा हम फ्री हो जाएं, फ्री होके क्या करोगे? करोगे तो निष्काम ही, ले दे के एक ही धंधा है हमारे यहाँ तो सबको, सत्संग में दादाजी ने निष्काम क्या बता दिया, सबको निष्काम करना है, लगता है जीवन ही ना बनेगी उसके बिना। सुनाएं सुनाएं, फिर सुनाने तो जाओगे, सुनाओगे क्या भाई, ये तो बताओ। पहले ज्ञान को अनुभव तो कर लो, फ्री हो भी जाओगे फिर क्या करोगे? हमारे सिर पे आके बैठोगे? नहीं, लोगों के सिर पे जाके बैठोगे, फायदा क्या निकलेगा, यूज क्या निकलना है इन चीजों का, तुम ये बताओ। पहले ज्ञान से अपने आप को घड़ो, बनाओ। देखो, शुरुआत है मिटने से, ज्ञान की शुरुआत है मिटने से। आपा मेट जीवत मरे ता पावे करतार, सबसे पहली बात आपा मेट, आपे की आवश्यकता नहीं, अहंकार की आवश्यकता नहीं। और कभी भी किसी से भाग के हम मिट नहीं सकते, वहां पर रह के घिसेंगे तो मिटेंगे, ऐसे नहीं मिटा जाएगा। जब कारण ही नहीं हमारे सामने, हमें क्या पता हम बने हुए हैं कि नहीं, कारण ही नहीं हमारे सामने, हमें क्या पता हम अंदर से छूटे हैं के बंधे। जब आप बैठे हो, कारण बनते हैं, आपको अपनी मन स्थिति भी तो पता चलती है कि मैं कहाँ खड़ा हूं, मालूम पड़ता है ना। कारण आया, घरग्रस्त में बैठे हो, कारण तो पूरा समय है ही है, कभी विक्षेपता के कारण, कभी मोह के कारण, कभी लोभ के कारण, कभी इच्छा के कारण, कारण तो पूरे दिन में है ही है। अब कभी हिसाब लेना बैठ के, इस जंजाल में से कितना स्मूथली निकला मैं, वो मेरी स्थिति है। मैं जितना स्मूथली पास कर गया चीजों को, बिना भीतर की हलचल के, बिना किसी लहर के उठे, वो मेरी स्थिति है। और जहां जहां हुई हलचल, पता चलेगा मुझे आत्म अभ्यास की कितनी जरूरत है। आज खाली बैठे आदमी से कोई गलती हो ही नहीं सकती,
वो आदमी बोलता है मेरे से कोई गलती नहीं हुई कभी। सब हैरान, गलती नहीं हुई भाई, कमाल की बात है। कैसे? बोला गलती हो ना जाए, इस डर के मारे कोई काम शुरू ही नहीं किया। जब काम ही नहीं शुरू किया तो गलती होनी कहां से थी। और ये ना सोचना वहां से भाग लोगे तो शायद गलतियों से बच जाओगे। हमारे पास और बड़ी माया खड़ी है, आ जाओ आ जाओ, यहां कौन सी दिक्कत है। भगवान यहां भी इला इला के परखेगा। हालतें तो हैं सामने, ज्ञान नहीं कहता हालतों से भाग लो, ज्ञान कहता है निश्चय से जीतो। ज्ञान जीतना सिखाता है। भागने वाला तो अनुभवहीन एकदम, क्या करेगा। आज चाहे हम लोगों ने बोला डिवोशन, फैसला हुआ एक समय, ठीक है, कुछ नहीं बाहर की माया, एक ही कार्य, पर उसके बावजूद भी गुरु ने घिसाया तो सही। ये थोड़ी कर लिया परमानेंट, रहा लिया अपने पास 2 महीने 4 महीने, फिर भगा देते थे, जाओ घर में। फिर घर में आके ये थोड़ी कि घर में आके आराम से राजा होके रहो, एक एक काम करवाया घर का, पोचे भी लगवाए होंगे, कपड़े भी धुलवाए होंगे, प्रेसें भी करवाई होंगी, खाने भी बनवाए होंगे, बख्शे तो नहीं गए। मे भी संसार में इतना ना करते, अच्छी प्रारब्ध हो, कोई कमी नहीं थी घर में, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन गुरु ने तो घिसाया। और एक बात से घिसाते थे वो, जो तुझे नहीं करना आएगा ना फिर बड़ी उम्र में जाके साथी चाहिए होगा, ऐसे डराते थे। सब हाथ से करना आना चाहिए, इंडिपेंडेंट। ये नहीं बोला सत्संगियों पे डिपेंड हो जा, मजेदार बात तुम्हें बताएं, ये नहीं बोला सत्संगियों पे डिपेंड हो, जब तो जीवन दिया है ना ये सारे तेरी सेवा करेंगे, कोई ऐसा सीन ही नहीं था कि ये सेवा करेंगे। भगवान बोलते थे करो, घर वालों की भी करो, बोलते थे नहीं तो उनको लगेगा कि हमें सेवा करना पड़ रहा है। भाई ये कपड़े धोते थे घर में, तो बोले अब उसको तो लगेगा ना कि बहू आ जाती तो कर लेती, मेरे को बुढ़ी को करना पड़ रहा है, तो बोला ये काम भी तू कर, खाने भी बनाओ, फलाना काम भी करो, बख्शा तो नहीं गया। पता नहीं आप लोग कैसे सोच लेते हो कि बस छूटो छूटो छूटो, बड़ा छूटने वाली कहानियां तो बाद की। और आज अनुभव ये कहता है, ये कार्य ज्यों ज्यों बढ़ता गया अपने आप इसने सारा समय छीन लिया। करता हो के कहीं गुरु ने छुड़ाया हो कुछ, ऐसा तो एक को दिन नहीं आया कि उन्होंने बोला हो चल छोड़ दे, छूटता गया। वो एग्जाम्पल दिया जाता था गर्भवती स्त्री का, कि ज्यों ज्यों समय बढ़ता है गर्भवती स्त्री का, उसकी सांस धीरे धीरे काम छुड़ाती जाती है, कुछ उससे होते नहीं, कुछ सांस छुड़ाती जाती है, एक समय वो और उसका बच्चा। एक ये मिसाल भगवान रोज बताते थे कि तुम कार्य में लगे रहो, एक समय प्रकृति माता तुमसे बाहर के कर्म छुड़ाएगी। तुम्हें कर्ता होके कुछ नहीं छोड़ना है, ना कर्ता ना भोक्ता। और वो जो बैलेंसिंग थी ना, उसमें कभी हलचल नहीं हुई। अब हम आ तो गए उनके पास, 8th-9th में पढ़ते थे तब से, इतनी पढ़ाई करवाई। हम बोलते थे, जब कह रहे हैं हमें कुछ करना ही नहीं, नहीं पढ़ नहीं पढ़। हमको तो ये बोलते थे, पढ़ेगा नहीं तो फिर नौकरी करनी पड़ेगी, फिर शादी करनी पड़ेगी, बंधन आएगा। पढ़ता आज समझ आता है, लैकिंग वहाँ भी नहीं छोड़ी, मैं भी दिमाग चलता, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं भी दिमाग चलता, कोई ज़रूरत पड़ गई हम क्या। आज इतना कॉन्फिडेंस अंदर डाल दिया, किसी फील्ड में कमज़ोर तो नहीं, कोई भी आ जाए, किसी फील्ड में कमज़ोर तो नहीं छोड़ा ना, कम से कम
ना ये है कि हम पढ़े लिखे नहीं है, ना ये हमको बात नहीं करने आती है, ना ये हमको कोई सेवा नहीं करने आती है। कैपेबल हर चीज का बनाया, तभी तो पूरे गुरु की बात आ गई ना, पूरा गुरु। तभी गुरु की उपाधि पूर्ण मां से दी, गुरु की पूर्णिमा मनाते हैं, पूर्ण मां है। कैपेबल हर चीज का बनाया, चाहते तो छुड़वा देते उसी समय। कितना सारा पढ़ा दिया, ट्वेल्थ कर तक पढ़ाया, फिर कॉलेज पढ़ाया, फिर सीए करा दिया, ICWA क्या क्या करा दिया, कंप्यूटर कोर्स करा दिया, कितना सारा पढ़ा डाला। और हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं करना, पर पढ़ना है, पढ़ना है। आज समझ आता है कि कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो जाए। देखो एज कोई भी हो, अगर एक भी नेगेटिविटी आ जाएगी वो वापस खींचेगी, ये सच्चाई है। मन का भरोसा नहीं होता, गुरु बहुत सुजाग होता है, इसीलिए वो कुछ भी हमसे करता बन के नहीं छुड़ाता। चलते रहो, निश्चय करो, संकल्प करो, प्रकृति छुड़ाएगी। और सच में जिस समय छुड़ाया, कोई खींचा तानी नहीं थी, जैसे मक्खन से बाल निकाला। पहले तो अंदर इतनी प्रिपरेशन थी, ऊपर से कोई डर नहीं, कोई विकल्प नहीं। देखो कहीं से भी तुम छूटोगे तो विकल्प तो है। आज तुम कहते हो चलो मैं बच्चे को ना मासी के सहारे, चाची के सहारे, बुआ के सहारे, किसी के सहारे छोड़ता हूँ, ये कह रहे हो ना। तुम्हें ये विचार क्यों लेना पड़ रहा है, सोच के देखो, विकल्प है ना अंदर। अगर तुम्हें डर ना हो बच्चे का, तुम्हें किसी का आधार ना लेना पड़े। रामतीर्थ की पत्नी बोलती है साथ चलूंगी, कहता है चलो, बच्चे कहाँ छोड़ेगी, कहती है ननी हाल में, कहता है तेरे को भगवान से ज्यादा माँ पे विश्वास है, तू अभी योग्य ही नहीं सन्यास के, बैठी रह। समझ सकते हो बातों को। तो जब तुम किसी का आसरा ले ही रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे मन में कोई ना कोई विकल्प तो है ना, डर है, विकल्प है, कुछ तो है। सूक्ष्म मन की उस हलचल को क्यों नहीं पकड़ रहे हो, जिसको तुम छूटना कह रहे हो, छूटना वो भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डर कह रहा है इसका आधार ले, इसका आधार ले, इसका आधार ले। और फिर अगर कुछ ऊंच नीच हुई तो तुम दोष भी उनको दोगे। सबसे पहले तो मन आज भी खाली नहीं है संकल्प विकल्प से। तो जब हम जान ही रहे हैं कि इस तरह का त्याग तामसी त्याग है जो अंदर से निरसंकल्प नहीं होने देता है, वो त्याग करना गलत है। ये बात भी समझ के चलो, ये तामसी त्याग है जो अंदर हलचल है, तुम बाहर कोई ना कोई अल्टरनेट ढूंढ रहे हो। इसका मतलब किसी कोने में तेरा अंदर वाला कह रहा है कि ये तेरा ही कर्म है, तुझे ही करना उचित है, पर तुम कह रहे हो मैं दूसरे को टोपी पहना के निकल लेता हूं और उसको ज्ञान बना रहे हो। फिर इतने ऊंचे हो तो छोड़ दो ना राम भरोसे, फिर मत दो किसी का भरोसा, मत दो। बड़े बनना चाहते हो राम तीर्थ बनो, छोड़ो फिर अपने राम भरोसे, छोड़ दो, नहीं छोड़ा जाएगा राम भरोसे, ये भी मेरे से लिखवा लो, नहीं छोड़ पाओगे। कहीं ना कहीं डर, विकल्प, घबराहट आती है। बेटर है जो तुम्हारे हिस्से भगवान ने सेवा भेजी है, प्यार से, अकर्ता भाव से उसको करो, बहुत बेटर है। हमारा ज्ञान नहीं कहता व्यर्थ की हलचल करने को, कोई आवश्यकता नहीं, किसी शोर की जरूरत नहीं है, किसी आवाज की जरूरत नहीं है। और जो अंदर का त्याग वैराग होता है, देखो त्याग वैराग एक ताकत का नाम है, त्याग वैराग दिखावे का नाम नहीं है। सुनी बात, त्याग वैराग जी ताकत ते आहे, मन जी मौजुन जो मदार, सुनी है बात। तो इसका मतलब त्याग और वैराग क्या हुआ,
त्याग और वैराग एक ताकत है जो मन की मौजों का आधार है। त्याग वैराग दिखावे की चीज नहीं, बाहर से करने की चीज नहीं, एक वो शक्ति जो भीतर जागती है, त्याग भावना जागती है। जो जैसे हम मिसाल लेते हैं राजा जनक का, राजा जनक गृहस्थी में बैठा है, कैसे बैठा है? त्याग भावना से, त्याग करके नहीं बैठा, त्याग भावना से। त्याग भावना की पहचान कहाँ होती है भाई? त्याग भावना की पहचान हुई जब गुरु का सत्संग चल रहा है और खबर आई जनक तेरी नगरी को आग लग गई, सब भागे जिनके घर आस पास, गुरु बैठे हैं, जनक बैठे हैं, सत्संग चल रहा है, नो इंटरप्शन। गुरु को एक भी योग्य मिल जाए, गुरु उससे नजर मिला के बात करता रहता है, मत सुनो बाकी के, कर लो हलचल। वहां पता चला जनक के अंदर की त्याग और वैराग का, उसकी त्याग वाली भावना का। ये नहीं हम बोले जनक अगर छोड़ के चला जाता तो हम कहते त्यागी है, तो हम कहते वैरागी है। नहीं, छोड़ के जाने वाला त्यागी वैरागी नहीं है, बैठा है त्याग भावना से बैठा है। बेटा है उसको छोड़ छोड़ के भागोगे ज्ञानी नहीं हो जाओगे, पर कल जो उसके शरीर की प्रारब्ध है उससे रिएक्ट मत होना, ये त्याग भावना है। जो उम्मीदें होती हैं बड़े होके सेवा करेगा, ऐसा करेगा, उससे अनअटैच्ड हो जाना, ये वैराग्य है। छूटना किसको बोला? भीतर जो संकल्पों के बंधन है, देखना बंधन कहाँ पैदा हो रहे हैं। अपने जो संकल्प है ये बंधन रूप है, जो ये संकल्पों से बंधन पैदा हो रहे हैं, अगर आप इन बंधनों को काट पाते हो ज्ञान के निश्चय से, आप जहाँ बैठे हो मुक्त स्वरूप हो, भले आखिरी तक चादरें बुननी पड़े चाहे जूते सिलने पड़े, फर्क क्या पड़ता है? क्यों? ज्ञानी तो जहाँ बैठा है ज्ञान वहीं दमक रहा है। कबीर जी वहीं तो लिखते हैं चदरिया जीनी रे जीनी, ते राम नाम रस बीनी चदरिया जीनी रे जीनी, वहीं तो कह रहे हैं। बुनते ही नहीं थे चादर तो पता कैसे चलता था? ज्ञान कहाँ प्रकट होता? ज्ञान आपके प्रैक्टिकल लाइफ में प्रकट होता है। ज्ञान के प्रकटीकरण का और कोई स्थान ही नहीं है। जंगल में प्रकट होगा? जंगल में कहाँ प्रकट होगा? कोई स्थान ही नहीं है वहां ज्ञान के प्रकट होने का। ज्ञान का प्रागट्य आपके प्रैक्टिकल लाइफ में है, क्योंकि कारण ही वहीं पर है आपके पास। जहां कारण नहीं वहां तो हम अज्ञानी को भी ज्ञानी की नहीं देख सकते हैं, वो भी आनंद में है। कारण नहीं है तो अज्ञानी भी ज्ञानी है। आप यंगस्टर्स के पास चले जाओ, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्लब पार्टी ये वो, कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ बात नहीं, पैसा अंधा मावा आपका, वो भी कहते हैं हमको ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो बड़े रिलैक्स हैं, हम भी बड़े खुश हैं, ऐसी क्या बात है? तो अज्ञानी भी तो ज्ञानी है जब कारण नहीं है सामने। मानो हम सब छोड़ के भाग जाएं, फिर हम कहें हम ज्ञानी हैं, पर पता है विक्षेपता तो वहां चिड़िया भी बीट कर देगी तो आ जाएगी। जब स्वभाव से विक्षेपता नहीं गई, वो बैठा था ना एक सन्यासी, बड़ा जोरदार तप किया था, पेड़ के नीचे बैठा, सिद्धियां पाके चिड़िया ने बीट कर दी, इतना जोर से उसको घूरा चिड़िया जल के राख हो गई, बड़ा खुश हो गया, सिद्धि आ गई। अहंकार आता है तो अपनी भूल नहीं देखने देता,
ये नहीं समझ आया विक्षेपता क्यों उठ रही है इतनी, ये नहीं समझ आया कि वो तो बेचारा पक्षी है, उसको क्या समझ इतनी सी बात की, इतनी बड़ी सजा की, उसको जला दिया आंखों से। पर अहंकार बड़ा खुश हो उठा, इतनी सिद्धि आ गई। गया नगर में भिक्षा मांगने, एक दरवाजा खटखटाया। पतिव्रता स्त्री पति की सेवा कर रही है, 2 मिनट लग गए दरवाजा खोलने में। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घूरा जोर से। ये भी एक बड़ी इम्पेशेंस होती है, देखा कईयों के अंदर, आपके घरों में भी देखा होगा बच्चों, घंटी 1 बार 2 बार 4 बार कट्ठी, अरे भाई आ रही हूं किचन से, आने तक टाइम तो लगता है, पर घंटी बजाते जाएंगे। जेंट्स को देखो, शाम को आएंगे, 2 मिनट दरवाजा खोल, कहाँ थी, सो रही थी, क्या कर रही थी, घंटे से दरवाजा खटका रहा हूं, चीखना शुरू कर देंगे। बड़े इम्पेशेंट होते हैं। स्वभाव तो वही गृहस्थी वाला निकल आया, बीवी को डांटता हुआ घूरा उस औरत को कि मैं इतनी देर से दरवाजे पर हूं, खोल नहीं रही। वो भी मजेदार थी, कहती है सुन मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो जल जाऊंगी, घूर्रा आंख से। डर गया, अभी अभी घटना घटी, किसी को पता नहीं, आप कैसे जानते हैं? बोला मैं भी पतिव्रता स्त्री, एक पतिव्रत धर्म निभाते निभाते अनेकों सिद्धियों की मालकिन हो गई, लेकिन तेरी तरह इनकार नहीं करती। बोला गृहस्थ में ये कैसे संभव है? बोला और देखना है, जा सदना कसाई की स्थिति देख। बेचारे का और दिमाग हिल गया, सदना कसाई उसकी स्थिति देख, जाके पता चलेगा। पहुंच गया दुकान ढूंढता ढूंढता, वहां देख रहा है बकरे कट रहे हैं, मांस बिक रहे हैं। वो औरत कहती है स्थिति देख, ब्रह्मज्ञानी की स्थिति, ये क्या स्थिति दिखाएगा? पर बैठा रहा क्योंकि जिज्ञासु भी था कहीं ना कहीं। रात को जब फ्री हुए, सदना कसाई उसको घर ले आया। बोला ये सारा दिन ये व्यापार करके आप ब्रह्मज्ञानी कैसे हैं? बोला कर्म से ब्रह्मज्ञान का कोई लेन देन ही नहीं होता है। बोला देखा तूने, 1 सालेग्राम का पत्थर है मेरे पास, 100 ग्राम भी उससे तोलता हूं, 1 किलो भी, 5 किलो भी, 10 किलो भी, भगवान को तो इतना डाले बैठा हूं कर्म में। तो समझने वाली बातें कुछ और हैं। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आपके ज्ञान नहीं है तो जंगल में जाके भी बैठ जाओ, विक्षेपता तो पीछा नहीं छोड़ने वाली, काम क्रोध तो पीछा नहीं छोड़ने वाला। वहां देखोगे ना जानवर को भोगते हुए तो तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा। हुआ था एक सन्यासी का, मछलियों को क्रीड़ा करते देखा, उसके ही मन में आ गया मैंने जिंदगी बेकार कर दी, 1000 जन्म वैश्या का लिया एक संकल्प के कारण। तो जब भीतर के संकल्प बांधेंगे, बाहर का त्याग क्या करेगा? कुछ ही नहीं कर सकता है बाहर का त्याग। मजा तो तब है जब अंदर के संकल्प ना बांधे। फिर शरीर अपनी प्रारब्ध में वर्तता है तो वर्ते इसमें क्या फर्क पड़ता है? यानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहां शरीर रहे, जो इसके प्रारब्ध कर्म है, ये अपना गुजरान करता रहे। शरीर का निर्वाह प्रारब्ध पर है, सब जानते हो इस बात को। तो जब इसका निर्वाह प्रारब्ध पर है तो ये करता रहे ना, भगाने की क्या जरूरत। और आपका हठ चलेगा भी नहीं। अगर आप ये सोचो मैं किसी तरह के हठ से काम बना लूंगा, बनेगा नहीं। हठ वाला यहां कामयाब नहीं है। जहां हठ है मतलब अहंकार है, जहां हठ है मतलब आपकी अपनी कोई इच्छा है, जहां हठ है मतलब आप अपनी चलाना चाहते हो। हठ क्यों? ज्ञानी तो स्मूथ है,
क्यों बोला महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास्ते, फर्क क्या पड़ना है? आज कार्य होना है शरीर से, कोई भी हो जाए, आज भगवान ये कार्य ले रहा है, कल किसी की अगर सेवा के लिए खड़ा कर देता है तो क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं, सेवा ही तो है, कौन बड़ी बात है? पर ये ध्यान रखना, जिस सेवा में गड़बड़ करोगे ना, मन का चलना नहीं रोक पाओगे, मन चलेगा। जग से चाहे भाग ले प्राणी, छूटे तुम्हें, मन से भाग ना पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, मन नहीं भागने देगा आपको कहीं भी, जो मर्जी कर लो, मन साथ बैठा ही बैठा है। मन आपको नाच नचाएगा, मन आपको चलाएगा, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, सबसे भाग लो। चलो अपने गलत कर्म को भी होशियारी से सही सिद्ध कर लो, अंदर वाले को फिर भी पता है, फिर भी जानता है, कई बार होती है होशियारी। गुरु को भी डिनाय कर दो, नहीं नहीं हम तो ठीक चल रहे हैं, हम तो राइट हैं, उनकी बात को भी सुना अनसुना कर दो, तो भी अंदर वाला तो जान ही रहा है। कितनी देर अंदर वाले को जुठला लोगे, आखिर एक समय कॉन्शियस बाइट करेगा ही करेगा। तो ज्ञान में ऐसे चलो कि लाइफ लॉन्ग चल सको, ऐसे ना चलो कि चार दिन तो चलो और उसके बाद तुम्हें रुकना पड़ जाए, ऐसे ना चलो कि तुम्हारे मन के ख्याल ही तुम्हें बोझिल करके घर बिठा दें, ऐसी गलतियां मत करो। बी केयरफुल एंड यू वॉन्ट फॉल। देखो हमने माता का आदर्श सुना, पर यह तो नहीं सुना कि जब बच्चे छोटे थे तो उन्होंने ऐसा कुछ किया, इंडिपेंडेंट बनाया शुरू से, सुबह उठाने का आधार छोड़ा, बोलने का आधार छोड़ा, आ जाओ खा लो, जो संस्कार आप दे सकते हो अच्छी बात है, दो बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप अपने मूल फर्ज से भागो और कल अगला भी पछताए और आप भी पछताओ, ये चीज गलत हो जाएगी। अब अगर माता पर सेवा थी खाना बनाने की, बच्चों का बनाते ही थे, भले बच्चे स्कूल हैं पीछे वो सत्संग करते थे, लेकिन जो उनको निमित्त सेवा देनी होती थी घर में, हस्बैंड भी थे, डेथ तो बाद में हुई उनकी, तो पूरा संभाल के देख के चले। और जो व्यक्ति अपने घर में संभाल के चल सकता है, गुरु के पास भी संभाल के वही चलेगा, लापरवाह आदमी यहां कौन सा कामयाब हो जाएगा, ये भी सच्चाई है। लापरवाह आदमी यहां भी आके बैठ जाए कामयाब हो जाएगा क्या? नहीं होगा, उसको यहां भी चलना नहीं आएगा। समझो वो कहता है मैं सेवा में रहता हूं, गुरु की सेवा भी नहीं करनी आएगी, पता तो है नहीं कुछ, करके आया हो तो आता होगा ना। अब घर में जो लड़कियां घर में सेवा करती हैं वो यहां आके भी काम कर लेती हैं, जिनको घर में करना ही नहीं आता शौक शौक में आ भी जाएं, क्या करेंगे यहां आके? एक ने बोला हम आ जाएं रहने, उनका आओ मोस्ट वेलकम है, लेकिन सोच समझ के आना। घर में कितने बजे उठती हो? 8 बजे। नाश्ता कौन बनाता है? मम्मी। मैंने कहा बेटे यहां तो ना नाश्ता हाथ में मिलेगा ना 8 बजे तक बिस्तर मिलेगा, हम तो 5 बजे उठा देते हैं, खड़े हो जाओ। नहीं आई, अच्छा फैसला लिया उसने, गुजारा था नहीं ना यहाँ पे, कैसे गुजारा हो? यहाँ गुजारा करना बड़ा मुश्किल काम है, जो घर से घिस के नहीं आया यहाँ कैसे घिस लेगा बताओ आप? कॉमन सेंस की चीजें तो यहाँ भी चाहिए।
ये थोड़ी मतलब है कि यहाँ तुम्हें कोई हाथ में बिठा के दे देगा, चलो बना के कोई खिला देगा, फिर वो बर्तन की सेवा दे देगा कि मैंने खाना बनाया, तो बर्तन मान जा, झाड़ू लगा चल, सेवादार तो हमने कोई रखा नहीं है, सब अपनी सेवा आप करते हैं, अब क्या हो, मुश्किल है गुजारा। लेकिन जिसको आता है वो हर जगह फिट है। हम लोगों को भगवान ने सब सिखाया, हम उनके साथ कहीं भी फिट हो जाते थे। पापड़ भूनने भी सिखाए उन्होंने, एक दिन पास खड़े होके आधा घंटा लगाया, क्योंकि वो जल्दी जल्दी हाथ चलाते, तवे पे सिक्का खाते नहीं थे, गैस पे सिक्का हो ना काला हो और ना कच्चा रहे। कई पापड़ सिखवाए हमसे खड़े होके, हाथ घुमा 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 घुमा, जल्दी जल्दी पलट जल्दी पलट, सिखा दिया। लेकिन बोले अगर किसी दिन कोई ना हो तो मेरे को एक पापड़ नहीं भून के खिला सकता, पानी नहीं पिला सकेगा। चल बैठे बैठे कमरे में मौज आ गई, उठा के किचन में ले गए, पापड़ भूनने सिखा दिए। तो सेवा आती हो तो गुरु के भी इर्द गिर्द रह सको, वरना क्या करोगे, क्या करोगे वरना। भगोड़े को तो गुरु भी नहीं रखता पास, कि घर से ही भागा हुआ है, मेरा क्या करेगा ये, जब वहीं मार खा रहा है सेवा के लिए, यहां क्या करेगा। मत सोचना भागना ज्ञान है, गुरु तो बल्कि ज्यादा कसता है, ज्यादा पीसता है, तभी तो निखार आता है, नहीं तो निखार कैसे आता। मेरे भगवान बोलते थे मेरे हाथ से निकला हुआ दुनिया में मार नहीं खा सकता मैं, सच बात है, बिल्कुल राइट। क्योंकि वो इतना ज्यादा घिसा डालते थे, इतना ज्यादा लगाते थे सेवा में, चारों तरफ की समझ देना। बल्कि अब ना हमको कभी कभी हैरानी लगती है, इतनी बड़ी बड़ी गृहस्थियां आप लोग चलाते हो और हमको लगता है कि इनको ये आता ही नहीं क्या, हम लोग कैसे सीख गए। फिर समझ आता है गुरु ने सिखा दिया हम लोगों को। ये लोग गृहस्थियों में फेल हैं, जिन बातों में, व्यवहार की बातों में और बातों में, और यहां गुरु ने हम लोगों को सिखा दिया, समझा दिया, राइट वे से चलना सिखा दिया। निकालने के समय निकालते भी थे, बिठाने के समय बिठाते भी थे और समझाते थे, उचित क्या अनुचित क्या, सही क्या गलत क्या। और जब बिठाते थे ना, फिर मन स्थिति पूछा करते थे, मन तो नहीं रमा, इनका ऑपरेशन हुआ तो हमको फोन पे बोलते हैं जो करना है एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, पर एक्टिंग इतनी अच्छी करना देखने वालों को सच्ची लगे। अब ये समझ गुरु के सिवाय कौन दे सकता है, कि तुम्हें फंसना नहीं है लेकिन करना भी बहुत अच्छे से है। ले चलते थे शादी में ब्याह में हर जगह साथ घुमाते थे, लेकिन अगले दिन घर आके पूछाई ये होती थी, मन में क्या चला ये बताओ। मन तो इन्वॉल्व नहीं हुआ, इंटरेस्ट तो नहीं आने लगा, कुछ अच्छा तो नहीं लगने लगा, जरूर पूछा करते थे क्या खाया क्या नहीं खाया, नहीं पूछते थे मन में क्या हुआ ये जरूर बताओ, क्योंकि बंध और मोक्ष तो वहीं पर है, जो ख्याल से बंधा है सो बंधन में, जो ख्याल से छूटा है सो छूटा ही हुआ है। अब फर्क क्या पड़ेगा, अगर हम अंदर से इन्वॉल्व नहीं होते हम कहाँ बैठे हैं। अब राजा जनक को आज हम समझ सकते हैं कि जब वो मन से बंधे हुए नहीं हैं तो कहाँ बैठे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, बैठे हैं राज्य में क्या फर्क पड़ता होगा। और जो व्यक्ति अंदर से बंधा हुआ है वो जंगल में भी जा बैठे तो कहेगा पेड़ अमंगल, नदी अमंगल, सब अमंगल है उसके लिए, वो बेचारा मंगल दुनिया में ढूंढता ही रह जाएगा, मिलेगा नहीं, क्योंकि पहचान नहीं है कि अमंगल भीतर है बाहर ही नहीं। ये फर्क है।
तो कर्म से भागना ज्ञान मत बना लेना, जागृत होके चलना, विवेक से चलना, होश में रहना, तब कल्याण होगा। वरना ज्ञान से भ्रष्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? कर्म से भागना चाहिए, कर्म से जागना चाहिए।